dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ओडब्ल्यू मोटर्स। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए नई सी नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो बाइक्स जो होती हैं, वो हमारे पास नॉर्मली न्यू बाइक्स होती हैं, उनकी प्राइसेस भी जो होती हैं वो थोड़ी सी हाई होती हैं। तो काफ़ी कस्टमर जो थे वो चाह रहे थे कि हमें कोई ऐसी बाइक्स दिखाएं जो स्लाइटली यूज में हो और बजट में हमारे आए और 400 cc और साउंड भी उसकी ज़रा थोड़ी सी अच्छी हो। तो आज हम आपके लिए डुकाटी GT 400 cc डुअल स्प्लेंडर वाटर कूल वाली बाइक लेकर आए हैं। ऑल पंजाब रजिस्टर्ड बाइक है। तो आज आपको इस के बारे में हम आपको इसकी डिटेल के बारे में आपको बताते हैं। जो चलते हैं वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, हम सबसे पहले आपको इसके जो डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है इससे स्टार्ट करते हैं। आपको पहले बताते चलें कि ये 2400 इसकी माइलेज है और 6 स्पीड के साथ ये आती है बाइक। इसके अंदर आपको यहाँ पर इसका रेडिएटर लगा होता है। बाइक जब चलती है तो हीट का यहाँ पर साइन मिल जाता है आपको, यहाँ पर फ्यूल का मिल जाता है, यहाँ पर इसके RPM वगैरह और सारी और यहाँ पर स्पीड वगैरह की आपको इंडिकेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको बताते चले तो USB पोर्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। नीट एंड क्लीन कंडीशन की बाइक है, जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू जितना बाइक होती है वैसे ही बाइक है। आप इसका फ्यूल टैंक सारी बॉडी देख सकते हैं, बिल्कुल स्क्रैचलेस जितना बाइक है वैसे है। और सबसे डिमांडिंग कलर भी इस वक्त इस मॉडल के अंदर सबसे डिमांडिंग कलर है ग्रे ऑरेंज के साथ, क्योंकि नॉर्मली ब्लैक रेड और ब्लू कलर तो आप देखते रहते हैं, लेकिन ये यूनिक सा कलर जो आप देख रहे हैं ग्रे ऑरेंज के कंट्रास्ट के साथ, ये काफ़ी डिमांड में रहा है और काफ़ी कस्टमर ने इसको पसंद किया है। उसके बाद इसमें कस्टमाइज इसके अंदर ग्रिप इंस्टॉल की गई है, एडजस्टेबल इसके अंदर लीवर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आपको इसके हैंडल बार की तरफ लेकर आते हैं तो इसका ये एल्यूमिनियम हैंडल बार होता है जो कि एडजस्टेबल शॉक्स के साथ है। ये जो शॉक्स लगे हुए हैं ये नॉर्मल शॉक्स नहीं है, ये आप साइन डाउन शॉक्स हैं जो कि आपको अच्छी पोस्चर के साथ साथ आपको जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो सस्पेंशन भी आपको अच्छी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको लेकर आए तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कावासाकी H2R की तरह के इसके अंदर साइड मिरर्स लगे हुए हैं जिनको विंगलेट्स वगैरह की तरह आगे से थोड़ा सा अगर आपको दिखाएं तो काफ़ी इसकी बल्की लुक बाइक की आपको देखने को मिल जाती है। और जितनी भी 400 cc बाइक्स चाइनीज़ कैटेगरी के अंदर आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कस्टमर ने इसको पसंद किया है वो ये वाला मॉडल था, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी आपको बॉडी किट मिल जाती है, थोड़ी सी हैवी लुक आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद लाइट्स की बात करें तो 4 बॉल्स के साथ इसकी लाइट आती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आपको चलाऊँ ऑडी स्टाइल के अंदर इसका इंडिकेटर इसके अंदर उसकी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट पे इसके अंदर आप ये देख सकते हैं काफ़ी अग्रेसिव इसकी लुक है, इसके अंदर कार्बन की स्टिकरिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ABS प्लास्टिक का इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर ये प्लास्टिक इंस्टॉल किया गया है, उसका मडगार्ड है। फ्रंट टायर की अगर बात कर लें तो 110/70/17 inches का इसके अंदर फ्रंट टायर इंस्टॉल किया गया है जो कि ट्यूबलेस टायर होता है। उसके अलावा रिम्स की बात करें तो अलॉय रिम्स के साथ आता है और डुअल डिस्क इसके अंदर आती है और डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दोनों साइड पर डिस्क नज़र आएगी और यहाँ पर आप ये कैलिपर्स देख रहे हैं तो ये डुअल कैलिपर आता है जो कि काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपको मजीद पीछे लेके चलते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये डुअल सिलेंडर है, 2 पाइप इसके अंदर से आपको देखने को मिल रहे हैं। ऊपर इसके रेडिएटर लगा हुआ है जिसमें कूलेंट वगैरह और सारी चीज़ें आप इसमें डालते हैं जिससे आप बाइक के जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करते हैं, स्पेशली जो गर्मियों में बाइक चलती है तो 400 cc बाइक को ये चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि इसको थोड़ा सा कूल रखा जाए। उसके बाद आपको साइड पर दिखा देते हैं तो इसके अंदर क्रैश गार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको सेफ्टी के लिए दिए जाते हैं, उदाहरण वास्ते अगर बाइक नीचे गिरती है तो ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। साइड पे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये बॉडी किट मिल जाती है, यहाँ से कट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल भी इस बाइक की काफ़ी खूबसूरत इस बाइक की आपको देखने को मिल जाती है। इंजन की बात कर लें तो 367 cc इसकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होती है जिसको राउंड ऑफ करके 400 cc हम बाइक कहते हैं। इसकी जो टॉप स्पीड की बात करें तो 170 से 180 की ये टॉप स्पीड देने की बाइक सलाहियत रखता है। और सबसे मेन जो चीज़ है वो 400 cc होने की वजह से इस बाइक में किसी भी किस्म की वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलती। हम आपको जो है वो इसकी थोड़ी सी साउंड टेस्ट करवाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। काफ़ी हैवी ड्यूटी साउंड ये जो है प्रोड्यूस कर रहा है 400 cc होने की वजह से। SC प्रोजेक्ट का मफलर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। उसके अलावा बैक पे अगर आपको लेकर आते हैं तो बैक पे आपको 150/70/17 inches का इसके अंदर आपको बैक टायर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी वाइड आपको नज़र आ रहा होगा। और बैक पे आपको सिंगल डिस्क भी सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ बैक डिस्क आपको देखने को मिल जाती है। मोनोशो की बात करें
तो अच्छे से एडजस्टेबल मोनोशॉक लगा हुआ है जिसको आप अपने मुताबिक एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट। बैक पे अगर आपको लेकर आते हैं तो बैक पे इसी मॉडल के अंदर आपको लाइट पीछे देखने को मिल जाती है, इसी राइड के अंदर आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको ब्रेक का, अगर मैं ब्रेक स्विच ऑन करके दिखाऊँ तो ये इस तरह से ब्रेकिंग का भी सारा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह इसके नीचे लाइट लगी हुई है जो कि जो आपकी प्लेट है इसके ऊपर आती है। यहाँ पर आप ये बाइक जो है ऑल पंजाब रजिस्टर्ड भी है, और आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने की भी कोई आपको इस पर एक्सपेंस नहीं आएगा। जैसे आपने बाइक परचेज करनी है और आपने बाइक चलानी है, इसमें किसी किस्म का भी कोई एक्सपेंस नहीं है। इस साइड पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर करीब लाके दिखाने का जो मकसद है, ओवरऑल आप बाइक की कंडीशन भी देखने के साथ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही है। तो इसके साथ ये 6 स्पीड गियर बॉक्स है जो रिटर्न शिफ्ट के साथ इसका आता है, ये जिसमें आपको बताते चलें कि ये गियर ये पहला नीचे लगता है, बाकी गियर इसके सारे ऊपर क्यों लगते हैं। तो ओवरऑल नीट एंड क्लीन कंडीशन की बाइक है, और किसी किस्म का भी इसका एक्सीडेंट वगैरह या कोई इस तरह की कोई चीज़ इसके अंदर नहीं हुई थी, और कलर स्कीम काफ़ी खूबसूरत है, ऑल पंजाब रजिस्टर्ड भी है, और बड़ी रीजनेबल प्राइसेस के साथ है। अगर आपको इसकी प्राइस बताते चलें तो 9,95,000 के अंदर आपको ये बाइक ओडब्ल्यू मोटर्स टाउनशिप लाहौर से मिल जाएगी। इस वक्त ये ब्रांड न्यू बाइक जो है तकरीबन 12,50,000 के अंदर आपको देखने को मिलती है, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन वगैरह के चार्जेस अलग से होते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कस्टमर्स के लिए जो 400 cc लेना चाह रहे हों और लो बजट के अंदर, तो आपको ये 995 के अंदर ओडब्ल्यू मोटर्स टाउनशिप लाहौर से देखने को मिल जाएगी। फ़ोन नंबर की बात कर लें तो 03-222-0333-99 हमारा फ़ोन नंबर है, जिस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इस बाइक के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और एड्रेस की बात करें तो मेन पिकर रोड टाउनशिप लाहौर में हमारा शोरूम बेस करता है ओडब्ल्यू मोटर्स के नाम से, जहाँ पर फिजिकली आप आके इस बाइक को देख भी सकते हैं। हमारा अपना चैनल ओडब्ल्यू मोटर्स के नाम से है, वहाँ पर विजिट करके इन तमाम बाइक के बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।